हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन क्लियर हो चुका है कि अब दोनों ही पार्टियां गठबंधन करेंगी और कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कल इनेलो और बीएसपी के गठबंधन की घोषणा की जाएगी। इनेलो नेता अभय चौटाला और बीएसपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का ऐलान होगा। कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी और उसके बाद से ही ये क्लियर हो चुका था कि दोनों ही पार्टियां अब आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगी और अब इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली है। कल सुबह 11 जुलाई को दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा, किस तरह से देखा जाए इसको? बिल्कुल, देखिए नासिर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर है। इनेलो और बीएसपी गठबंधन करने जा रहे हैं। कल इनेलो और बीएसपी की एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी और संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी। जो प्रेस वार्ता होगी, प्रेस वार्ता के दौरान अभय चौटाला मौजूद रहेंगे, इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माजरा वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बीएसपी की, जो बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। वहीं मायावती के भतीजे भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो की तरफ काम कर दिया जाएगा कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है दोनों ही दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से जो सीट शेयरिंग है, कितनी कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा वो देखना होगा कि वो कल ऐलान किया जाता है, वो बाद के लिए ऐसी बातें रखी जाती है। वहीं क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें, अभय चौटाला ने मुलाकात की थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस मुलाकात के दौरान ही कहीं ना कहीं ये बात तय हो गई थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इनेलो और बीएसपी एक साथ लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नासिर ज्यादा समय नहीं बचा, 3 महीने बचे, तो ऐसे में इनेलो और बीएसपी अगर एक साथ लड़ते हैं, जो इनका समीकरण अगर फिट बैठता तो कहीं ना कहीं एक नए समीकरण हरियाणा की राजनीति के लिहाज से हो सकते हैं और कहना कि इनेलो को भी इससे मजबूती मिलेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पिछले तो इनेलो का जो ग्राफ था लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन बीएसपी के साथ आने से इनेलो को उसका कितना फायदा होगा, जातिगत लिहाज से जो बीएसपी का जो वोट बैंक है, एससी वोट बैंक है, वो कितना इनेलो के साथ आ पाता है, जो इनेलो का प्योर जाट वोट होता था वो दोनों मिलकर किस तरीके से नया एक सिनेरियो हरियाणा की राजनीति में बनाते हैं, वो अपने आप में देखने वाली बात है। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो हरियाणा में इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का कल ऐलान होने जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर इसको बहुत अहम गठबंधन माना जा सकता है। अब देखना होगा कि गठबंधन इनेलो और बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद होगा।